नहीं है। लेकिन ये याद रखा करो, ये उलमा के बारे में जो आप ये तसुरात रखते हैं कि जी मौलवी बख्शे नहीं जाएंगे, उलमा की गीबत करते हो, घरों में बैठ के अपने बच्चों के सामने उलमा के गिले करते हो, उलमा के खिलाफ बोलते हो, फिर आपकी नस्लों में कभी आलम पैदा नहीं होंगे। बड़ा होकर बच्चा कहेगा मौलवी किसी बला का नाम है। फिर ऐसे पैदा होंगे कि 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मारने वाले पैदा होंगे। फिर तेरी मेरी नस्लों में अल्लाह महफूज करे गुलूकार और अदाकार पैदा होंगे। ये कुरान के मदरसे, ये दीनी इदारे, ये मेरे बुजुर्ग अकाबर सुजूक सफेद रीज 24 घंटे अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान की तबलीग करने वाले, ये तबलीगी भाई बिस्तर उठा के दर दर फिरकर अपना खा के अपना पी के लोगों को कलमे की दावत देने वाले, ये कुरान के हिफ्ज के मदद से कोरा कागज देते हो 3 साल के बाद, ये तुम्हें हाफिज़े कुरान देते हैं, कोरा कागज देते हो 9 साल के बाद, ये तुम्हें आलिम दीन देते हैं, कोरा कागज देते हो, जब ये वापस आता है चेहरे पे मोहम्मद की सुन्नत सजी होती है, 5 वक्त का नमाजी ये होता है, तहज्जुद गुजार ये होता है, हलाल हराम के मसले बताने वाला ये होता है, जिस माशरे में आलम नहीं होते उस माशरे में जाहिल पैदा होते हैं, गुलूकार पैदा होते हैं, उस माशरे में कंजर पैदा होते हैं, सूदखोर पैदा होते हैं, रिश्वतखोर पैदा होते हैं, मुशरिफ पैदा होते हैं, बिदती पैदा होते हैं, कलमा नहीं आता, नाम के मुसलमान होते हैं। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, ये दीनी मदारस का एहसान है कि आज हमें नमाज याद है, हलाल हराम के मसले याद है, गुस्ल के फरैद याद है, हमें सूद रिश्वत से रोकने वाले लोग मौजूद हैं। दुआ कीजिए क़यामत तक ये मदरसे आबाद रहे, इनको कुछ ना हो, ये बंद हो जाएंगे तो अल्लाह की मदद भी रुक जाएगी।